नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दुनिया के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके रहस्य से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका है। इतिहास के इन रहस्यों को कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे 9 ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक वे रहस्यमयी गांव। इस गांव को कहा जाता है श्रापित, नहीं मनाई जाती दिवाली यहां पर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सम्मू गांव के लोग दिवाली नहीं मना रहे हैं, जो उनकी प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। उन्हें डर है कि कई पीढ़ियों पहले इसी त्योहार के दिन एक स्त्री सती हो गई थी और उन्हें यह श्राप लगा था। प्रकाश का जीवंत त्योहार दिवाली अन्य दिनों की तरह ही बीतता है। जब घर अंधेरे में रहते हैं, रोशनी और पटाखों की आवाजें गायब रहती हैं। गांव के लोग परंपराओं के दलदल में फंसे हुए हैं और उन्हें किसी भयानक घटना के डर का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों ने युवाओं को सावधान किया है कि कोई भी उत्सव, चाहे वह रोशनी हो या कोई विशेष पकवान बनाना, शुभ संकेत नहीं होगा तथा दुर्भाग्य, आपदा और मृत्यु को आमंत्रित करेगा। किंवदंती है कि कई वर्ष पूर्व यहां वर्णित महिला दिवाली मनाने के लिए अपने माता पिता के घर गई थी, लेकिन जल्द ही उसे खबर मिली कि उसके पति, जो राजा के दरबार में एक सैनिक था, उसकी मृत्यु हो गई। गर्भवती महिला इस सदमे को सहन नहीं कर सकी और अपने पति की चिता पर ही जल गई तथा गांव वालों को श्राप दिया कि वे कभी भी दिवाली नहीं मना पाएंगे। निवासियों का कहना है कि तब से इस गांव में दिवाली कभी नहीं मनाई गई। भोरंज पंचायत प्रधान पूजा देवी और कई अन्य महिलाओं ने कहा कि जब से वे शादी करके इस गांव में आई हैं, उन्होंने कभी दिवाली मनाते नहीं देखा। हमीरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित सुम्मो गांव भोरंज पंचायत के अंतर्गत आता है। पूजा देवी ने कहा, अगर गांव वाले बाहर भी बस जाएं, तो भी अभिशाप उन्हें नहीं छोड़ता। कुछ साल पहले गांव से दूर बसा एक परिवार दिवाली के लिए कुछ स्थानीय व्यंजन बना रहा था, तभी उनके घर में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। गांव के लोग केवल सती की पूजा करते हैं और उनके सामने दिए जलाते हैं। गांव के एक बुजुर्ग, जिन्होंने 70 से अधिक दिवाली बिना किसी उत्सव के देखी है, कहते हैं कि जब भी कोड दिवाली मनाने की कोशिश करता है तो कोई दुर्भाग्य या हानि हो जाती है और ऐसे में वे घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। एक अन्य ग्रामीण वीणा कहती हैं, सैकड़ों वर्षों से लोग दिवाली मनाने से परहेज करते आए हैं। दिवाली के दिन अगर कोई परिवार गलती से भी घर में पटाखे फोड़ देता है और पकवान बना लेता है तो मुसीबत आनी तय है। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ करके अभिशाप को तोड़ने के कई प्रयासों के बावजूद ग्रामीण असफल रहे हैं, जिससे उनकी अपनी परंपराओं का पालन करने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। वीणा ने कहा कि समुदाय की अतीत की सामूहिक स्मृति उन्हें अपने रीति रिवाजों से बांधे रखती है। हालांकि युवा पीढ़ी इस विश्वास से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त करती है, ग्रामीणों को भी उम्मीद है कि एक दिन वे दिवाली मना सकेंगे। दो बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पोलक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 को 11 साल की जोआना पोलॉक और 6 साल की जैक्वेलिन पोलॉक की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद एक साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वां बेटियों को जन्म दिया और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो जोआना और जैकलिन के भी थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो गिलियन ने जोआना के खिलौनों को अपना बताकर रख लिया और जेनिफर ने जैक्वेलिन के खिलौने रख लिए। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाते थे, जैसे जिलियन का जोआना को छोटी बहन की तरह ज्यादा प्यार करना, दोनों का अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना, बचपन से ही डरना।
इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछली जन्म की यादें भी कम होती चली गई। यरूशलम का आर्क ऑफ कोवनेंट। 587 ईसा पूर्व बेबीलोन की सेना ने यरूशलम पर हमला किया था। इस हमले में यहूदियों के शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसके साथ ही उनके पहले मंदिर को भी तोड़ डाला था। उस दौरान मंदिर में रखे आर्क ऑफ कोवनेंट का क्या हुआ, यह अभी भी रहस्य है। आर्क ऑफ कोवनेंट में 10 धर्मों के आदेशों की किताबें थीं। अभी भी यह बड़ा सवाल है कि आर्क ऑफ कोवनेंट को कौन लेकर गया, यह कहां गया, इस बात के कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि आर्क ऑफ कोवनेंट को बेबीलोन की सेना यरूशलम पर कब्जा करने के बाद अपने साथ लेकर चली गई, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि हमले के पहले ही इसको कहीं छिपा कर रख दिया गया था। जब मसीहा वापस जाएंगे तो आर्क ऑफ कोवनेंट मिल जाएगा। यह भी माना जाता है कि आर्क ऑफ कोवनेंट को बेबीलोन की सेना ने तबाह कर दिया था। तैरते तैरते गायब हो गए पीएम। ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री हेरोल्ड एडवर्ड होल्ट तैराकी के दौरान गायब हो गए थे। वह 26 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनेजिस के रिटायर होने के बाद वह निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वह उसी साल आम चुनाव में शामिल हुए थे और उनको भारी जीत मिली थी। उनको आखिरी बार शेवियोट बीच पर देखा गया था। 17 दिसंबर 1967 को वह विक्टोरिया के शेवियोट बीच पर तैराकी कर रहे थे और इसी दौरान अचानक गायब हो गए। उन्हें बहुत खोजा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आखिरकार 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया, लेकिन उनका शव आज तक नहीं मिल पाया। यह अभी भी रहस्य है कि आखिर वह कहां लापता हो गए। रहस्यमी सैटेलाइट। 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इन सैटेलाइट्स की तस्वीरें भी जारी की थीं और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन का यूएफओ बताया तो कुछ ने इसे एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट बताया जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये असल में क्या था, इसका पता नहीं चल पाया। मांस की बारिश। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटकी में सुबह के 11 से 12 बजे के बीच में आसमान से अचानक मांस की बारिश होने लगी। यह लाल रंग के मांस थे जिनका आकार 2/2 इंच से लेकर 4/4 इंच तक था। ये मांस की बारिश क्यों होने लगी थी, इसके पीछे बहुत से तर्क दिए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाला तर्क ये था कि ये मांस गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहां गिराए होंगे। लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मांस गाय का, घोड़े का, भालू का, इंसान का या किसी और जीव का था, ये कभी पता नहीं चल पाया। ओक आइसलैंड में खजाने का रहस्य। कनाडा के नोवा स्कोटिया के पास स्थित ओक आइसलैंड में बड़ा खजाना होने की बात कही जाती है। 2 सदियों से भी अधिक समय से यह बात कहानियों के माध्यम से दुनिया भर में प्रचारित की गई है। बताया जाता है कि कैप्टन विलियम किड नामक एक समुद्री लुटेरे ने इसी स्थान पर अपना खजाना छिपाया था। इसके बाद ओक आइसलैंड में छिपे खजाने को खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए गए, लेकिन आज तक वहां छिपे खजाने को नहीं खोजा जा सका। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का सच। बेबीलोन में 2000 साल पहले सच में हैंगिंग गार्डन थे या नहीं, यह अभी तक रहस्य है। 250 ईसा पूर्व कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का जिक्र किया है। उन्होंने इस हैंगिंग गार्डन को
दुनिया का अजूबा बताया था। हालांकि हैंगिंग गार्डन के बारे में कोई भी पुरातात्विक सबूत नहीं पाए गए हैं। बेबीलोन और वर्तमान इराक में अभी तक हुई खुदाई में हैंगिंग गार्डन होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अभी तक यह रहस्य बरकरार हुआ। बड़ा धमाका, लेकिन कोई अता पता नहीं। रूस की पत्थरीली तुंगुस्का नदी के पास 30 जून 1908 को एक ऐसा बड़ा धमाका हुआ जिसने नदी के पास 2000 वर्ग इलाके में फैले जंगल को जलाकर राख कर दिया था। इस धमाके में 8 करोड़ पेड़ तबाह हो गए थे। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसने धरती को हिलाकर रख दिया था। लेकिन ये धमाका हुआ कैसे, इसका रहस्य आज तक बना हुआ है। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसलिए आज हम आपको बोनस के तौर पर कुछ और रहस्य इस वीडियो में बताएंगे। लाफ्टर एपिडेमिक। 30 जून 1962 को तंजानिया की सीम के पास एक बोर्डिंग स्कूल में 3 लड़कियां अचानक जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। इसके बाद ये हंसने वाली समस्या 95 छात्रों में फैल गई। इस वजह से स्कूल बंद करा दिया गया और बच्चों को घर भेज दिया गया। ये बीमारी पास के गांव में भी फैल गई थी। वहीं इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति 18 महीने बाद मर गए थे। इस बीमारी को हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है, जो तनाव से जुड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बात अभी भी रहस्य है कि यह बीमारी एकदम स्कूल के बच्चों में कैसे आ गई। में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नए की तरह थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। ये इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है और इसे ट्रॉब मोटरसाइकिल नाम दिया गया। इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका कभी पता नहीं चल पाया। देश वेनेजुएला में एक ऐसी झील है जिसके ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है। यहाँ हर घंटे हजारों बार बिजली कड़कती है, इसीलिए इस जगह को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहा जाता है। वैसे इसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग और बीकन ऑफ मैराकाइबो के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ हर वक्त बिजली क्यों कड़कती रहती है, ये अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। वैज्ञानिक भी इस राज्य से पर्दा नहीं हटा पाए हैं। अजीबोगरीब लाइट। 13 मार्च 1997 को एरिजोना के फीनिक्स शहर के लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब काला वी शेप और 5 लाइटों वाला एक विमान देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लाइन एक अनोखे पैटर्न में जल रही थी। इसके बाद वो विमान गायब हो गया। ऐसा माना गया कि ये यूएफओ थ्योरी का ही हिस्सा है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज तक रहस्य ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।